हेलो गाइस, स्वागत है आपका अभी ब्लॉग में। जिसमें कि अब हमारी अबरा राइड स्टार्ट होने वाली है। हम जो ये दुबई बार दुबई जाने के लिए देरा दुबई की साइड से अबरा में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। करीबन 5 बजे का टाइम है। तो अबरा में जाने के लिए आपको कोई खास तैयारी नहीं करनी पड़ती है। जस्ट लाइक यू नो, फर्स्ट कम एंड गो। तो जो भी अबरा प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है उसका जो कैप्टन है, ड्राइवर इसको हम बोल सकते हैं, तो वो खड़ा होता है, तो वो आपको एंट्री करा देता है और छोटे बच्चों की टेक केयर आपको को करनी पड़ती है। और आपके साथ अगर छोटा मोटा सामान है, प्रैम है या कोई ट्रॉली वगैरह है, वो आप कैरी कर सकते हैं। और जब ये अबरा अप्रॉक्सीमेटली 15-20 लोगों से भर जाता है तो ये रेडी हो जाता है चलने के। तो देखिए दोस्तों, ये है अबरा राइड। सबसे खास बात इस राइड की ये है कि अभी भी इसकी टिकट 1 दिरहम की है, तो जो कि बहुत ही बड़ी बात है आज की डेट में। जो अबरा राइड किसी भी दुनिया की कंट्री में अगर हम सोचें तो इतने कम पैसों में नहीं मिलेगी। तो ये राइड करीबन देरा दुबई के स्टेशन से हमें बार दुबई के स्टेशन तक लेके जाती है। करीबन 5 मिनट का टाइम लगता है, तो उसकी टिकट 1 दिरहम है। और सेफ्टी इश्यूज की बात करें तो गाइस, आपको अपने आपकी टेक केयर खुद करनी पड़ेगी। लाइफ जैकेट्स वगैरह इसके इस बोट में होती हैं, बट आपके पास आपको दी नहीं जाती हैं, प्रोवाइड नहीं की जाती, बट आपको बहुत केयरफुली उस पर बैठना पड़ता है। और अगर आपके पास कुछ ऐसा सामान है जिसको आपने साथ लेके गए हैं, तो उसको बहुत ध्यान से पकड़ के रखें। छोटे बच्चे हैं तो उनको अच्छे से होल्ड करके रखें। वीडियो बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि कैमरा बहुत बाहर की तरफ ना जाए, क्योंकि यूजुअली झटका लगने से कैमरा हाथ से गिर जाता है। तो देखिए, करीबन 5 मिनट चलते चलते हमारा जो अबरा है बार दुबई के स्टेशन पर पहुंच गया। और जो स्टेशन्स हैं वो बहुत ही अच्छे बनाए हुए हैं, तो आपको उतरते हुए इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। इतना सा गैप तो उसमें रहता ही है, तो उतरते वक्त आपको थोड़ा जो गैप है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और स्टेशन से बाहर निकलते ही बिल्कुल आपको अपनी होम कंट्री की फील आ जाती है। जैसे रोड साइड मार्केट्स होती हैं इंडिया में, तो वही रोड साइड बाज़ार यहाँ भी बार दुबई बाज़ार के नाम से स्टार्ट हो जाता है। आई थिंक ये टूरिस्ट ओरिएंटेड मार्केट है, जिसमें कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ की चीज़ें हैं वो शोकेस की होती हैं रोड साइड पर, तो वो टूरिस्ट अट्रैक्शन है बेसिकली। तो उनके प्राइजेस वगैरह पूछकर भी हमें आइडिया लगता है कि वो प्राइजेस लोकल्स के लिए नहीं हैं। आपको यहाँ पर टी शर्ट्स, जो एथनिक जो वेयरिंग वाली चीज़ें हैं, टॉयज और जो भी फर्स्ट कॉपी आइटम्स दुबई में बहुत हिट होती हैं, जो पर्सेस और सनग्लासेस वगैरह, वो सब यहाँ मिलेगा। तो ये मीना बाज़ार
अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये बिल्कुल अबरा स्टेशन के पास की लोकल मार्केट है जिसे बर दुबई मार्केट बोलते हैं। ये मार्केट भी एक्सप्लोर करने में बहुत ही अच्छी है, और अगर आपको छोटे छोटे सोविनियर्स लेने हैं तो उसके लिए आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस मार्केट में हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, ये रोड साइड ईटरी प्लेसेस देखकर आपको इंडिया की तो ज़रूर याद आती होगी कि गोलगप्पे खड़े होकर खाना या कोई भी चाट पकौड़ी वाली आइटम रोड पर खड़े होकर खाना, ये नज़ारा आप दुबई में उठा सकते हैं। देखिए गाइस, ये जैसे ही हम अबरा स्टेशन से बाहर की तरफ निकले तो ये मीना बाजार का एरिया स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले हमें आइकॉनिक बैंक ऑफ बड़ौदा की बिल्डिंग देखने को मिलती है। बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत ही पुरानी इंडियन बैंक है जो कि आई थिंक 1970 से यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है, और जो भी इंडियंस हैं, ऑलमोस्ट एवरी इंडियन का इस बैंक में अकाउंट है। तो ये है नज़ारा मीना बाज़ार की तरफ जाने का। यही एक्चुअली मीना बाज़ार है, जैसे हमारी इंडिया में अगर आप दिल्ली की सिटी से वाकिफ़ हों तो रजौरी गार्डन की मार्केट, तिलक नगर की मार्केट या सरोजनी नगर की मार्केट, तो उसमें जैसे आपको रोड साइड पर बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स और शोरूम्स और थोड़ी बहुत स्ट्रीट वेंडर्स दिखते हैं, उसी तरह का बाजार ये मीना बाजार है। तो काइंड ऑफ आपको इंडिया की याद दिलाता है, जैसे कि आप इंडिया के किसी अच्छे बाजार में घूम रहे हैं। हमारे पास काफी समय था एक्सप्लोर करने का, तो हमने एक्सप्लोर किया, पर साथ के साथ ये भी देखना जरूरी था कि टेंपल के टाइमिंग्स क्या हैं। तो देखते देखते हम लोग वापस ग्रैंड बरदुबई मार्केट में वापस आ गए, जो कि हमारे टेम्पल के बिल्कुल पास में थी। तो जो यहाँ से जहाँ मार्केट ख़त्म होती है वहीं से टेम्पल का रास्ता स्टार्ट होता है। ये देखिए लिखा है वे टू टेम्पल। गाइस, कोविड की वजह से बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। खैर अभी के टाइम और जब हमने विजिट किया था अक्टूबर में और अब जनवरी के टाइमिंग्स में बहुत फ़र्क है। अभी रिस्ट्रिक्शंस कम हो गई हैं, तो अभी टाइमिंग्स शायद 3 से 4 घंटे ओपनिंग के हैं। इस टाइम पर जिस टाइम हम गए थे तो उस टाइम सिर्फ 1 घंटा इवनिंग में टेम्पल ओपन होता था, तो उस 1 घंटे के दौरान
आपको दर्शन करने होते हैं तो काफी भीड़ हो जाती है उस 1 घंटे में, बट स्टिल जो है कोविड के रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं। और रास्ते में चलते चलते हमें गन्ने का जूस वाली मशीन दिखाई दी, तो हमारे लिए एक बहुत एक्साइटमेंट वाली चीज थी कि वो इंडिया में जैसे एक जुगाड़ वाली मशीन होती है उससे थोड़ी सोफिस्टिकेटेड थी, तो हमने एक बार ही जरूर ट्राई की। और ये जो है गन्ने का रस, जो मेरे दोस्त पीते हैं उनको पता है कि भाई इससे अच्छी जो ड्रिंक हो नहीं सकती गर्मियों के टाइम में, तो ये हमने इंजॉय की। मार्केट भी यहाँ की बहुत अच्छी है, आपको बहुत, अगर आपके पास टाइम है तो आप धीरे धीरे एक एक चीज देखिए, तो आपको बहुत, जैसे देखिए सैंपल मसाला पैकेट्स रखे हुए हैं कि अगर आपको अपनी कंट्री में लेके जाने हैं, सारे एग्जॉटिक पीसेज हैं तो जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो देखिए गाइस, यही भूल भुलैया वाला बारदुबई का रास्ता ध्यान से फॉलो करेंगे तो आप टेंपल के अंदर एंटर हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल टेंपल के एंट्रेंस के पास भी कितने अच्छे सुवेनियर्स हैं, तो ये एंट्रेंस टू द टेंपल है जो कि बिल्कुल क्रीक को टच करता है, तो यहाँ पर एक बहुत ओपन एरिया है जहाँ पर आप घूम सकते हैं, सी साइड व्यू देख सकते हैं और यहाँ बहुत सारे बर्ड्स के साथ प्ले भी किया जा सकता है। कोविड की वजह से अभी भी हम टाइम से थोड़ा पहले आ गए थे, तो अभी उन्होंने लाइंस वगैरह का अरेंजमेंट करना स्टार्ट किया था, तो हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम था, यहाँ भी हम लोग आराम से पहुँच गए। और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम टेंपल के अंदर कैसे दर्शन करके वापस आए और लौटे, और कैसे वापसी में हम लोग वापसी आए। बने रहिए मेरे साथ, आपको ये वीडियो कैसी लगी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपको दिखाता रहूं। तो गाइस बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में मेरे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।